For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Paras Chhabra ne de diya hai challenge. Woh bhi kisko? Asim aur Vishal ko. Yes, Big Boss ke ghar mein challenges ka silsila shuru ho chuka hai kyunki mehaz 15, 16, 17 दिन बच गए हैं फिनाले में. 15th फरवरी को फिनाले है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं फिनाले में. ऐसे में घर के अंदर ऑफकोर्स जंग तो छिड़ ही चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमेशा से बिग बॉस ने कहा है कभी भी आप नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो है आप नॉमिनेशंस डिस्कस नहीं कर सकते, ये चीज़ हमेशा से क्लियर रही है. लेकिन आसिम, विशाल और रश्मि ये तीनों ही लोग नॉमिनेशंस डिस्कस करते नजर आए, जिसकी सज़ा ये मिली कि इनकी नॉमिनेशंस की जो चर्चा थी वो सामने दिखाई गई, टेलीविजन पर दिखाया गया बिग बॉस के घर के अंदर. और अब ये चीज़ घर के सभी लोगों ने देखी कि पारस के अगेंस्ट किस तरीके से बातें कर रहे थे, पारस को निकालने की और पारस को नॉमिनेट करने की बातें हो रही थी. अब इस चीज़ पर पारस और माहिरा इतना ज़्यादा भड़क गए और कहीं ना कहीं बिग बॉस ने उन्हें पनिशमेंट भी दे दी. पनिशमेंट क्या दिया है वो तो आज पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से पारस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं और पारस ने चैलेंज कर दिया है इन दोनों ही लोगों को कि मैं यहाँ रहूँगा भी, तुम लोग को हरा के ट्रॉफी जीत कर जाऊंगा. अब इस जज्बे के साथ पारस ने तो चैलेंज कर दिया है. माहिरा भी काफ़ी हद तक बोलती हुई नजर आई, पारस को सपोर्ट करती हुई नजर आई. और क्योंकि ये चीज़ें खुलेआम अब आ गई हैं, आसिम और विशाल ने जिस तरीके से नॉमिनेशंस डिस्कस किए इंक्लूडिंग रश्मि, तो पारस का नाम जब वहाँ पर था, पारस और माहिरा का नाम, दोनों को ही वीक कह रहे थे ये लोग, जिसको लेकर पारस तो बहुत चिढ़ गए हैं. और अब उन्होंने खुला ओपन चैलेंज भी कर दिया है कि जीत कर जाऊँगा और फाड़ के जाऊँगा तुम दोनों को यहाँ पर. ये स्टेटमेंट थी पारस की कि फाड़ के जाऊंगा तुम दोनों को यहाँ पर. तब आपको क्या लगता है कि आसिम, विशाल और पारस में से कौन ज़्यादा डिजर्विंग विनर लगता है आपको, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. तब तक के लिए ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.